नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। चुनाव आयोग किसी भी समय तारीखों का ऐलान कर सकता है और ऐसे में सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वर्तमान में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में बीजेपी इस बार भी राजधानी में अपने इसी प्रदर्शन को दोहराने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। वहीं बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। इस बार दिल्ली में इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच आमने सामने का मुकाबला होना तय है। फिलहाल तीनों दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिए हैं। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। फिलहाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे में माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा को कड़ी टक्कर यहां से देखने को मिल सकती है। इसी बीच सर्वे के आंकड़े चौंकाने वाले आ रहे हैं। बता दें कि इंडिया टीवी CNX के ओपिनियन पोल के मुताबिक दिल्ली में एक बार फिर से कमल खिल सकता है और सभी 7 सीटों पर बीजेपी जो है कब्जा कर सकती है। और बता दें कि ओपिनियन पोल की माने तो दिल्ली की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का खाता खुलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। बता दें कि बीजेपी ने नई दिल्ली से सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को टिकट दिया है। वहीं चांदनी चौक से प्रवीण खंडेवाल को उम्मीदवार बनाया है और उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी दिल्ली प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी को टिकट दिया गया है। पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत बीजेपी के टिकट पर ताल ठोकेंगे, जबकि दक्षिणी दिल्ली से रामवीर विधोड़ी मैदान में होंगे। फिलहाल बीजेपी ने पूर्वी दिल्ली और उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से किसी भी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले ये सर्वे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की चिंता अब बढ़ाने वाली है। फिलहाल इंडिया गठबंधन और चुनावी समीकरण को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।